अच्छा जी, बिरयानी के लिए गोश्त साफ किया जा रहा है और वॉश किया जा रहा है, धोया जा रहा है अच्छे तरीके से। ये 8 किलो चावल होंगे और 6 किलो के करीब जो है ना वो गोश्त है, इसकी अभी जो है ना वो यहाँ पर देर बनने वाली है। आप ये चेक करें माशाल्लाह से फ्रेश किस्म का जो है ना वो चिकन ले लिया गया है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर ना ये छोटी देगा, इसमें जो है ना वो चने बॉयल हो रहे हैं और इसमें जो है ना वो मीठे चावल बनने जा रहे हैं और इसमें जो है ना वो ये जो नमकीन चावल के लिए पुलाव बनने जा रहा है। बिरयानी यानी 8 किलो चावल और 6 किलो जो है ना वो चिकन वो जहाँ पे वो इसमें बनने जा रहा है। तो ये चेक करें, इसमें प्याज ऐड कर दिया ब्राउनिंग के लिए, दाल चना और चिकन जो है ना वो यहाँ पर रेडी किया जा रहा है। धुएं की वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी ये लेग पीस चेक करने और ये दाल मिक्स। बेसिकली ये भी जो है ना वो लंगर है माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का। ये चेक करें आप, ये देखिए कितने कमाल की यहाँ पर आलू पालक रेडी हो चुकी है। मैं आज जो है ना वो आपको बहुत ही कमाल के फूड दिखाने वाला हूँ, तो आज बेसिकली हम फूड फैक्ट्री में आ गए। अच्छा, ये जो है ना वो टमाटर, हरी मिर्चें, पेस्ट टमाटर का, साथ में जो है ना वो प्याज श्याज कटे पड़े हैं। ये जो है ना इनकी स्पेशल किस्म की मिर्चें हैं जो कि ग्राइंड की हुई हैं, ये भी ऐड की जाती हैं। प्याज के फौरन बाद जो है ना वो टमाटर डालने का वक्त हुआ चाहता है, तो पुलाव में बिरयानी में हम लोग जो है ना वो टमाटर ऐड कर रहे हैं। ये देखे जी मिला के कितने के लिए हैं, 2 किलो? हाँ जी, 2 किलो जो है वो टमाटर ऐड कर दिए भाई ना इसमें। ये इनके कोर शेफ हैं ये आप देखें, और ये तकरीबन जो है ना वो इस तेल को रेडी करेंगे। इनकी आज जो है ना वो काबिलियत देखते हैं माशाल्लाह से कि कैसे बनाते हैं। चिकन जो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, अब इसको भी बीच में डालने का वक्त हुआ चाहता है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी 6 kg हमारा चिकन है जो कि हमने देख में ऐड कर लिया, और ये ले लें अब आप माशाल्लाह, क्या बात है जी, बहुत आला माशाल्लाह। ये देखें, ओए होए 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 होए, आलू पालक यहाँ पे बहुत ही कमाल की रेडी हो चुकी है। जस्ट लुक एट द कलर, जस्ट लुक एट द थीम। अच्छा जी, मसाला जात की बात की जाए तो नमक है, ये जो है ना वो सुरख मिर्च है, और ये जो है ना साबुत गर्म मसाला, तो ये इसको अब ऐड किए जाते कर देते हैं देख में। ये ले जी। अच्छा, आज आपको ना मैं रेसिपी दे रहा हूँ, आपने कभी देर पकानी हो ना घर में तो देर ले रहे, उसके बाद कैसे बनानी है आपने ना, ये देखे जी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो हरी मिर्चों का फ्रेश किस्म का पेस्ट बनाने के लिए हरी मिर्चों को जग में ऐड कर लिया गया है। अभी इसका जो है ना वो पेस्ट बनाते हैं भाई, फिर देग में डालते हैं। ये भी हरी किस्म का पेस्ट यहाँ पर रेडी हो रहा है हरी मिर्चों का। ये चने वाले राइस बहुत कमाल के रेडी हो चुके हैं, ये भी चने वाले राइस है, ये चेक करे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये भी देखे, ये आपकी जो है ना वो सारी देगे तकरीबन रेडी पड़ी हुई है, इनका दम उतार रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हिलाएंगे। ये ऊपर से कोयला जो है ना उतार रहे हैं, क्योंकि कोयले की जो है ना हीट नीचे से भी हो रही होती है और ऊपर से भी होती है। आप इसको उसके बाद जो है ना वो अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि जो है ना वो सारे चावल एक जैसे हो जाएं। तो ये लें जी बिस्मिल्लाह, ये इनके जो है ना वो कोर शेफ हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह। चावल की लेंथ चेक करें कितनी कमाल की है, और वाकई इस पर मेहनत हुई है। ये होती है एक कारीगरी और इसके बनाने का तरीकाकार, ये माशाल्लाह चेक करें। चने के चावल भी जस्ट लुक एट दैट, ऐसे दिख रहे जैसे बिरयानी टाइप नहीं हो रहे थे। सेकंड डे सेम कलर सेम लेंथ चावलों की और चने वाले चावल माशाल्लाह जी। धुआं चेक करें, फ्रेशनेस चेक करें, हाय 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 हाय, मैं बिल्कुल सही जगह पे मौजूद हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया गया था, अब जो है ना वो ये भूल रहा है अच्छे तरीके से चिकन उसके दरमियान उसके अंदर। अच्छा, इस तरफ सारे जो है ना वो राइस भी गोए हुए हैं, आप ये चेक करें पतीले 8 kg हों चावल या 10 kg हों, वो सारे जो है ना वो इन्होंने जो है मैयर करके यहाँ पर भिगोए होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल बिरयानी है तह वाली, ये चेक करें आप,
नहीं जी, हम अपने राइस में जो है ना वो वाटर ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं इसमें जो है ना वो चिकन, ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो है ना वो गल जाए। ये 12 किलो पानी है, 12 केजी पानी ऐड किया, मतलब जितने राइस हैं 8 केजी इनके राइस हैं, 6 केजी इनका जो है वो चिकन है, और इसमें जो है ना ये मसाला वगैरह ऐड करके कम से कम भी ये 18 किलो हो जाएगा। अच्छा जी, ये सारे ऑर्डर रेडी पड़े हुए हैं, आप ये चेक कर सकते हैं, ये देखें तैयार पड़ी हुई है, अब ये जस्ट डिलीवर करनी है। तो एक उम्दा किस्म का फूड जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगा, अच्छी जगह आपको यहाँ पे मिलेंगी, साफ सुथरा माहौल मिलेगा, तो यहाँ पर आए एक मरतबा इनका टेस्ट करें। माशाल्लाह जो है ना वो जैसे चावलों की एक ब्रिकी होती है ना, वो सेम वही इसको कायम रखा हुआ इन्होंने, एक वही बिल्कुल हैवी किस्म के, एक लेंथ है इनकी और एक जैसा कलर है। ये भाई जो है ना बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और ये निकाल के दे रहे हैं आपको गर्मा गर्म नान। यहाँ पर बहुत ही कमाल के जो है ना वो रोगनी नान लगाए जाते हैं, जो कि आपको सर्व किए जाते हैं कस्टमर्स को ऑयल के साथ, उम्दा किस्म के। आप ये चेक करें, यहाँ पर जो है ना ऑयल मौजूद है, जिसके अंदर डिप कर करके हैवी किस्म के नान आपको खिलाए जाते हैं। तो नान यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये नान के पेड़े पड़े हुए हैं बेसिकली, ये देखिए आप माशाल्लाह क्या हेल्दी किस्म का पेड़ा है इनका, ये देखें माशाल्लाह। और वहाँ पे भाई लगा रहे हैं, वो जो है ना ऑयल लगा के इसको पैक शैक कर रहे हैं। इस तरफ जो है ना ये रोटियां लगाई जाती हैं, गर्मा गर्म रोटियां लगा के आपको सर्व की जाती हैं। गर्मी में काम करना वैसे भी बहुत हिम्मत और महानता है, तो ये भाई जो है ना वो शो करवा रहे हैं, ये चेक करें आप, गर्मा गर्म रोटियां लगा रहे हैं और माशाल्लाह से अभी जो है ना वो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है हल्का हल्का, अभी इसका जो है फर्दर प्रोसेस करना भाई ने। अच्छा जी, अब जो है ना वो राइस ऐड करने का वक्त हुआ जाता है, अब ये चेक करें टीम जो है ना वो राइस ऐड कर रही है। तो ये ले जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें जी राइस ऐड कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अब ये इसमें इमली जो है ना इसका पेस्ट ऐड किया जा रहा है राइस में, ये चेक करें जी, ये जो है ना इमली का पेस्ट, तकरीबन ये दो जो है ना बाउल है तकरीबन के, पाव पाव के हैं ये ऐड कर दिया है, हाफ आधा पाव के, एक पाव तकरीबन ऐड कर दिया गया। नहीं जी, और कोई रुके ना रुके, टमाटर वाले भाई को उन्होंने जो है ना वो ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि भाई आपने टमाटर वाली प्लेट से नहीं उठना, ये यहाँ पर जो है ना वो टमाटर काट रहे हैं, ये देखिए एक परात बड़ी भर दी है उन्होंने 10 किलो की, अब यहाँ पर जो है ना वो 5 किलो की परात काट रहे हैं। अच्छा, मैं ना बेसिकली फूड वैली में आ चुका हूँ, तो मैं इसको फूड वैली का नाम दूंगा। ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो चने चने आ गए हैं। अच्छा, अब ये जो ना राइस इन्होंने उठाए हैं, ये बेसिकली जर्दे के लिए राइस उठा ली है, अब ये जो है ना वो जर्दे की देह पकाने के लिए उसमें जो है ना वो राइस ऐड करेंगे। बेसिकली मतंजन भी होता है और साथ में जर्दा कदर भी होता है, ये जर्दा पका रहे हैं, ये देखें जी, ये अब इस तेल में जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चेक करें आप हमारी बिरयानी कितनी देर लगेगी बिरयानी को, और 5 मिनट में ये हमारी बिरयानी जो है ना वो हाफ हो जाएगी। अभी जो है ना वो 20 मिनट के लिए इसको दम 30 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। अब ये चेक करें, इस पे पानी जो है ना वो बहुत ही कम रह चुका है, चावल जो है ना मर्ज हो चुके हैं चिकन के साथ और इसके मसाला जात के साथ। तो अभी जो है ना ये भाई इसमें थोड़ा पानी चेक कर लेते हैं, इसका थोड़ा टेस्ट चेक कर रहे हैं। हाँ जी, ओके जी, रिपोर्ट है नमक दी, ओके बिल्कुल जी, जबरदस्त होगी। अच्छा, ये उस्ताद मोहतरम जो है ना वो अभी यहाँ पर जो है कोयला रख रहे हैं मजीद वहाँ से उठा के, ताकि जो है ना वो देख वो उधर से ला के यहाँ पर रखी जाए और उसको आधे घंटे का दम दिया जाए। अब यहाँ पर जो है ना वो टीम बी काम करेगी और यहाँ से जो है ना वो उस देख को, बिरयानी वाली देख को जो कि 8x6 की है, वहाँ से उठाया जाएगा और इसको जो है ना वो अपनी डिजायर्ड प्लेस पे पहुँचाया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये रख दिया, वो आपने कर दिया, आपने वाला काम ये जी, कोयलों को जब जो है ना वो देख की साइड पे वॉल पे रखा जा रहा है, ताकि जो है ना वो देख के नीचे से भी जो है ना वो भाप उठे, वेपर्स उठे और ऊपर से भी, और वो आपस में अंदर जो है ना वो पक जाए अच्छे तरीके से, राइप हो जाए। ये देखें जी, इस देख को खोलने का वक्त हुआ चाहता है, अब जो है ना इसकी बारी है, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि अब हमारा ऑर्डर जो है ना डिलीवर कर दिया जाए। तो आप ये देखें जी, हरी मिर्चें और साथ में जो है ना ऊपर चने शने, कितने कमाल की लुक दे रहे हैं, ये भी चनों वाले चावल हैं। और अभी जो है ना भाई इसको दोबारा से हिलाने वाले हैं, ये देखें जी फाइनल प्रोसेस है, ताकि जो है ना वो माशाल्लाह, ये ओह सुभानअल्लाह क्या बात है जी, कारीगरी तो इन्होंने दिखाई हुई है अपनी, और टेस्ट जो है ना वो आप करें एक मरतबा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखें जी,
कैसे बेहतरीन किस्म के राइस हैं। याद रहे हमारी बिरयानी वहाँ पे है, उसका दम खुलेगा, हम आपको दिखाएंगे। पसीना चेक करें कितना ज़्यादा आ गया, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। पकवान सेंटर में जो लोग काम करते हैं इनकी भी हिम्मत को सलाम है, अजमत को सलाम है, इतनी शदीद गर्मी में काम करना। खाला जी का वाड़ा नहीं होता, लेकिन ये जो है ना बड़ी मेहनत से काम करते हैं और वाकई में जो है ना वो स्ट्रगल शो करवाते हैं। तो ये जो चूल्हे के आगे खड़ा होना, 2 मिनट भी खड़ा होना गर्मियों में, ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी बात होती है। नहीं जी, ऑर्डर जो है ना वो उसको एग्जीक्यूशन के लिए ये अब जो है ना वो रक्षे के ऊपर रखने लगे हैं। इसको देखो, पुलाव की देख है, ये 12 kg की देख है पुलाव की, इसमें चने वाले प्राइस हैं। तो ये देखें जी, ये ऑर्डर अब डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं। मोहम्मद अदनान भाई जो है ना वो मीठे चावलों के जो मीठे राइस ने रखे थे ये के यहाँ पर बॉइल हो चुके हैं माशाल्लाह से, अब इसको जो है ना वो छानने वाले हैं, निकालने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी जो है ना वो निखार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओए ओए ओए, ये बेसिकली जर्दा के राइस होते हैं। और ये देखें आप, क्या बेहतरीन किस्म की इनकी लुक आ रही है। ये देखें जी, ये जो है ना बिल्कुल मुलायम चावल बने हैं यहाँ पर, जो इनके जर्दा है ना बिल्कुल मुलायम माशाल्लाह, ऐसे जैसे रेशम होता है ना सेम वही इसकी लुक है। और ये देखिए इसका गिरना नीचे चेक करें कितना कमाल का है माशाल्लाह। सबसे पहले यहाँ पर जर्दा बनाने के लिए आपने इन्होंने देख रखी है, उसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड कर रहे हैं। ये आप सुन सकते हैं उसकी आवाज़ें आ रही हैं, पानी जो है ना वो गर्म चीज़ पर जब डलता है तो उसकी, उसमें ये जो है ना लेमन स्क्वैश ऐड कर रहे हैं जो कि जर्दे के अंदर एक जो है ना वो टेस्ट को निकालता है। तो ये चेक करें, तकरीबन उन्होंने आधी से ज़्यादा बोतल ऐड कर दी है। अब जो है ना इसका कॉम्बो बनाएंगे। 10 kg ये शुगर है, इन्होंने ये शुगर माप लिया है, इन्होंने शुगर का जरा वेट कर लिया है, 10 kg ये शुगर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि इसको पानी में और लेमन स्क्वैश में ऐड कर रहे हैं। अब जो है ना इसके साथ फर्दर प्रोसेस करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे, अदनान भाई जो है इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, मीठे में सॉल्ट कैसा लगेगा जालमो चेक करके बताना है आपने। लो जी, अदनान साहब जो है ना वो इस वक्त इसमें घी ऐड करने जा रहे हैं, तकरीबन जो है ना 2 kg के करीब ये जो है ना वो इसमें घी ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्ला, ये देखें जी, अब ये जो है ना वो कॉम्बिनेशन हो गया। अभी जो है ना वो चीनी जैसे जैसे डिजोल्व होगी वैसे वैसे फिर अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखिए जी, इसमें जो है ना वो कर्ड ऐड कर दिया गया है, आपको पता है कि कर्ड के बगैर बिरयानी भी इनकम्प्लीट है और मीठे चावल भी इनकम्प्लीट है। तो दाल और चिकन आपस में मर्ज हो चुके हैं, आप ये चेक करें। अब चिकन जो है ना वो पूरा ओए ओए रेशे रेशे बन गया भाई चिकन के। अच्छा जी, ये देखें, ये अब जो है ना वो चाशनी जो है ना वो बहुत ही कमाल की बॉइल हो रही है, बहुत ही अकीर किस्म की रुक दे रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जर्दा राइस जो है ना वो उसको स्वीट करने के लिए चाशनी में ऐड किया जाएगा। इसमें भूलिएगा नहीं, सबसे बेहतरीन जो इन्होंने ऐड किया है वो लेमन स्क्वैश है। ये जी जर्दे की जो राइस है बेसिकली चाशनी में ये अच्छे तरीके से डीप हो चुके थे, अब इनको जो है ना वो यहाँ पर निकाल के, इनको जो है ना वो दम देने का तरीका भी स्पेशल है, नीचे ईंटे रख के ताकि जो है ना वो कोयले की हीट इनको ज़्यादा देर लगे। और मेरा ख्याल है ये 45 मिनट का प्रोसेस है, ऐसा ही है, 1 घंटा दम पे रहेगी ये मीठे चावलों की देख। ये देखें जी, क्या बेहतरीन किस्म के राइस जो है ना वो रेडी हो रहे हैं, चाशनी में जो है ना राइस बॉयल हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे खोया। ओए 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 ओए, अच्छा ये इसमें जो है ना वो फीका खोया भी ऐड किया जा रहा है, कैफिस चावल का फीका खोया ऐड किया जा रहा है, आप ये चेक कर सकते हैं। अब इसकी कहानी क्या है, ये राइस को कैसा लुक देती है, कैसा इसका टेस्ट देता है। तो खोए से जो है ना वो राइस वाकई खोए वाले बनते हैं, जैसे बर्फी टाइप ऐड हो रहा होता है, 1 kg खोया भी इसमें ऐड किया जाएगा। वाकई में यार मीठे राइस ऐसे बनते हैं, मैंने तो पहली मरतबा देखे हैं, वाओ, इट्स यूनिक रेसिपी टू। ले जी, हमने बिरयानी जो अपने सामने इन हाथों से बनाई थी, अब उसको खोलने का वक्त हुआ जाता है। ये चेक करें जी बिरयानी, माशाल्लाह क्या अखीर किस्म की जजरती किस्म की लुक इसकी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ले जी, ओए होए 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 होए, अदनान भाई माने या ना माने बिरयानी बनाने के मास्टर तो हैं माशाल्लाह। ऐसे जो है ना वो चावल कहना कल्ला कल्ला चावल है वो आ साहब, ओए होए होए होए, चिकन ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता भाई जी, चिकन ऊपर आ रहा है। ये देखें जी,
माशाल्लाह चिकन का कलर ले लें और साथ में राइस ले लें। मुझे तो कैफे जावद और कैफे फास से कम नहीं लगे थी माशाल्लाह। आज जो है ना वो 8 मुहर्रम उल हराम है और काम जो है ना उसकी नौयत बढ़ चुकी है। कल और परसों तो जो है मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा काम होगा। तो इनका पकवान सेंटर जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छे फूड प्रोड्यूस करके दे रहा है। लोकेशन मैं बता देता हूँ इसकी, लोकेशन जो है ना वो जमालुद्दीन वाली रोड है। जमालुद्दीन वाली रोड के पास जो सकला टाउन चौक है उससे थोड़ा सा आगे आके आपने अपने लेफ्ट साइड पे देखना है तो आपको हाफिज पकवान सेंटर मिलेगा। यहाँ पर आए आके जो है ना इनको ऑर्डर करें, कस्टमाइज जगह बना के देते हैं। कस्टमाइज जो है ना जो आप कहेंगे बना देंगे, पूरी जो है ना वो शादी का खुशी गमी के मौके के ऊपर ये आपको जो है ना वो फूड बना के दे रहे होते हैं। पसीना जो है ना वो मेरा सूख नहीं रहा क्योंकि आपको पता है कि गर्मी में काम करना इनकी हिम्मत है तो हमने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एफर्ट शो करवाई है। तो देगे जो है ना एज इट इज़ बन रही हैं, यहाँ पर जो है ना वो कुछ दम पे आ चुकी हैं, चावल मजीद यहाँ पर जो है ना वो इन्होंने निकाल लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज हमारे जो इस ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करेंगे लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके लिए हम कंटेंट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रगल के साथ आपके लिए जो है ना वो वीडियोस बना के लेके आते हैं और वो भी डेली बेसिस के ऊपर। तो यार सपोर्ट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि जो है ना वो आपको इससे अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम दिखा सकें और इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब की पूरे पाकिस्तान की आपको फूड एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीलॉग में आपसे मुलाकात करेंगे एक उम्दा किस्म के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।